ज्यादा पढ़े लिखे होने से क्या होता है, भोलापन खत्म हो जाता है। और भोलापन खत्म हो जाता है तो हर बात में फिर बाल की खाल निकालते हैं, तो जो सरल बात है उसको भी क्या बना देते हैं, कठिन। इसीलिए बाबा के ज्ञान में हमने देखा है कि जो भोली भाली माताएं वो जल्दी धारण कर लेती हैं, और जो ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं वो क्या होता है, बाल की खाल निकालते निकालते उनको संशय में ही माया ले जाती है, और इतना अच्छे भगवान के ज्ञान को भी धारण नहीं कर पाते। तो बाबा जो नहीं पढ़े उनसे बाबा क्या कहते, और बढ़िया है कि तुमने दुनिया का ज्ञान नहीं भरा, भगवान का सीधा सीधा ज्ञान भर जाएगा बुद्धि में। अब दुनिया का ज्ञान भरा है तो पहले वो निकालना पड़ेगा, तब बाबा का ज्ञान भरेगा। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था ना, साथ भी बहुत सारे पढ़ लिए थे सब चीजें, तो बाबा के ज्ञान पे पूरा निश्चय नहीं हो पा रहा था। भले बाबा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे पर मुझे ये लगता था कि शास्त्र की बातें झूठी हैं, कई सारी चीजें यहाँ संशय आता था। तो बाबा बहुत अनुभव करवाते थे लेकिन तो भी वो इतना भरा हुआ था साइंस का ज्ञान और उसका ज्ञान। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन ये ज्ञान को एक साइड रखते हैं, इसी को पढ़ के और सुन के और धारण करके चेक करते हैं। और मैंने कुछ दिन ही ऐसे किया, 1 साल किया होगा, 1 साल तक मैंने साइड कर दिया बुद्धि से थोड़ा प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वो बातें ना तो हमें इस ज्ञान को धारण करने दे रही थी ना उस ज्ञान को, अधपर में अटके हुए थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बातों को एक साइड किया और इस ज्ञान को धारण किया तो पता चला इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ा आनंद है। ऐसा आनंद तो कोई और ज्ञान में है ही नहीं। ये ज्ञान तो बुद्धि को पूरी तरह से सुलझा देता है, सांसारिक ज्ञान तो बुद्धि को उलझा देता है। तो वो तब पता चलेगा जब कोई प्रयोग करके देखे।